हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जनरल मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसके बाद कई सारे स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कि उन्हें ओरल पैथोलॉजी में भी सेम वीडियो चाहिए। तो आज देखेंगे कि किस तरह से ओरल पैथोलॉजी को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अब ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन दोनों हम एक साथ कंबाइन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा थर्ड ईयर का शेफर ओरल पैथोलॉजी है, वो प्रिपरेशन हमारे नीट की प्रिपरेशन से अलग है। हम सेम थर्ड ईयर के जैसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ की हमें डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, हमें क्लासिफिकेशन याद करने पड़ते हैं, उसकी हर टाइप की एपिडेमोलॉजिकल फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, उसके ऑल साइन एंड सिम्टम हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन जब नीट की बारी आती है तो नीट में हमें क्लासिफिकेशन याद नहीं करने होते, हमें डायरेक्ट जो उसकी डेफिनेशन है वो हमें याद करने नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो थर्ड ईयर और जो नीट की प्रिपरेशन है वो थोड़ी अलग हो जाती है, और उस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है नीट में, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट हमें वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब कौन कौन से पॉइंट है जो हमें हमें रखने चाहिए हमारे दिमाग में ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो ये आज हम देखेंगे। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जब शेफर में से, तो ये हमारे दिमाग में रहना ज़रूरी है कि अगर कोई नई चीज़ हमें आती है हमारे रीडिंग में, जैसे अगर आप कोई शेफर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोई पॉइंट है या कोई लीजन है जो आपने अभी तक कभी भी नहीं देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी कहीं नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको लगता है कि अरे यार मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये आ जाए, और मुझे अगर नहीं आया तो एग्ज़ाम में, तो ऐसे डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ये भी मैं पढ़ लूँ, भले ही ना पूछा गया हो लेकिन मैं फिर भी इस लीजन को भी पढ़ लूँ, मैं दूसरा भी कोई कंसेप्ट पढ़ लूँ। ये चीज़ हमारे दिमाग में हमें रखनी पड़ेगी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्वियस है वो ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि मुझे और भी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या जो कभी भी नहीं पूछा गया है वो इस बार शायद पूछा जाएगा। हर बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इस बार कुछ नया पूछेंगे, लेकिन हर बार का पैटर्न सेम होता है, हर बार जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं या उससे रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि शेफर में बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट दिए हुए हैं, और सब हम नहीं पढ़ सकते, सब हम याद भी नहीं कर सकते। तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा हमारी ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन की जब प्रिपरेशन की बात आती है। तब ओरल पैथोलॉजी ओरल मेडिसिन की बात करें, और उसमें भी 5 क्वेश्चन अगर ओरल रेडियोलॉजी के चले जाए तो हमारे पास सिर्फ 20 क्वेश्चन रहते हैं ओरल मेडिसिन और ओरल पैथोलॉजी के लिए। तो अब इतने ही क्वेश्चन जब हमारे पास है तो इसमें से क्या ज़्यादा वो पूछेगे एग्जामिनर, बहुत ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन वो नहीं पूछ सकते। सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जो सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ही वो ज़्यादातर पूछते हैं, तो उसी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या शेफर से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो आंसर है कि हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जो शेफर का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंटल एनोमलीज, ये इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने थर्ड ईयर में शेफर पढ़ी है और ठीक से पढ़ी है तो आपको 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम ये चैप्टर पूरा पढ़ने में। तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आप ठीक से शेफर में से पढ़िए, उसके अलावा वेसिकुलस लीजन जो है स्किन के, ये चैप्टर आप शेफर में से पढ़ सकते हैं। दूसरे चैप्टर क्यों आप शेफर में से पहली बार में नहीं पढ़ने हैं, उसका रीज़न है कि क्योंकि ये दूसरे चैप्टर कई दूसरे सब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर है जो ओवरलैप कर रहे हैं और वो हमें किस तरह से पढ़ने हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको शेफर ही पढ़ना है, स्टार्ट करना है शेफर पढ़ने से, तो सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़िए और वो आपका जो डेवलपमेंटल एनोमलीज है वो आप शेफर में से पढ़ सकते हैं, और फिर आप पल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वेसिकुलोबुलस लीजन, उसमें सिर्फ आपको मैकेनिज्म, जो कौन कौन से प्रोटीन्स है जहाँ पे डिफेक्ट होता है, डेस्मोग्लिन, लेमिनिन या डेस्मो प्लैकिन, जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है वेसिकल और बुलस के फॉर्मेशन की, वो आपको याद करनी पड़ेगी।
तो जब आप प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर अगर शेफर में से पढ़ लिया है, वो आपकी चॉइस है, उसके बाद हम सिनॉप्सिस पे जाएंगे ओरल मेडिसिन और ओरल पैथोलॉजी के। गाइस जो हमारे पल्स की सबसे बेस्ट, अगर आप सिनॉप्सिस हमारे पल्स के देखेंगे तो वो बेस्ट है ओरल मेडिसिन के। बहुत ही अच्छे सिनॉप्सिस उसमें दिए गए, शायद अभी लेटेस्ट एडिशन का मुझे पता नहीं है, लेकिन 10-12 पेजेस में उन्होंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उन्होंने भर दी है। तो अगर आप सिनॉप्सिस पढ़ते हैं पल्स के, तो आपका 70% तक जो ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन का जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो प्रीवियसली पूछे गए हैं वही उन्होंने सिनॉप्सिस में दिए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से एक दूसरी टाइप का अप्रोच हमारा स्टार्ट होता है कि जो हमारे फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने देख लिया तो उसके क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा सिर्फ ओरल पैथोलॉजी में ही है, ऐसा चैप्टर दूसरे किसी सब्जेक्ट में नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर देखें या फिर ओडोंटोजेनिक सिस्ट एंड ट्यूमर देखें, सलाइवरी ग्लैंड्स के अगर प्रॉब्लम देखें, तो ये हमारा ओरल सर्जरी में भी उसको ओवरलैप होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डेंटल केरीज, पल्प और पेरियापाइकल लीजन है, वो हमारा एंडो में कवर होता है। इसके अलावा जो वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है वो आपके सिर्फ शेफर में ही नहीं है, वो मतलब आपके ओरल पैथोलॉजी के अलावा हमारी जनरल मेडिसिन में भी वो चैप्टर्स हैं, उसके अलावा माइक्रोबायो में भी वो चैप्टर्स हैं। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं इन सभी चैप्टर का, तो उसके साथ जब ये क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तो साथ में ही ओरल सर्जरी के भी क्वेश्चन कर लीजिए, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर के और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के। अगर आप वायरोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर वो कंप्लीट हो रहा है, तो हमारे जो जनरल मेडिसिन में भी चैप्टर है, जनरल मेडिसिन में बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर्स है, वायरोलॉजी के चैप्टर, फंगल इन्फेक्शन के चैप्टर्स है, तो वो भी आप डायरेक्टली इसमें कंबाइन करके उसके भी क्वेश्चन आंसर अभी कर लें। उसके तो ये चीज़ें हमें रखनी है कि जो अगर हो सके तो इसके साथ हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी आप कोरिलेट कीजिए, ओएस हमारे जनरल मेडिसिन, फिजियोलॉजी। इसी तरह से एक चैप्टर है हमारा ओरल एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब ये चैप्टर भी हमारा बहुत जगह पे कोरिलेट होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये आएगा। तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है कि अगर हो सके तो दूसरे सब्जेक्ट को भी आप इंक्लूड कर लें उसी के साथ, एक साथ हो रहे उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ बच रही है, क्या चीज़ नहीं है जो उसमें दी गई है, तो अभी डायरेक्टली हम हमारे नोट्स में वो चीज़ भी इंक्लूड कर लेंगे, तो आपके नोट्स बहुत प्रिसाइज हो जाएंगे, बहुत कंबाइंड सब्जेक्ट सारे मिलके उसमें नोट्स में आ जाएंगे। तो आपको मटेरियल जो लास्ट में आपको जब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जो मटेरियल होगा पढ़ाई के लिए वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, वो ये है कि कई बार हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन में अगर ये आंसर है और दूसरे क्वेश्चन में आंसर टोटली डिफरेंट है, अब हम देखते हैं तो उसके रेफरेंस दिए होते हैं लेकिन रेफरेंस में भी कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया होता है, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, ये होगा या ये होगा। अब ये चीज़ अब दिमाग में रखिए कि हमारे पल्स में सिर्फ AIPG के क्वेश्चन नहीं है, उसके अलावा भी जो डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन हैं उनके क्वेश्चन है, और उन सभी एग्जामिनेशन की अपनी अपनी आंसर कीज होती है, तो उसके हिसाब से वो अपने आंसर रखते हैं। तो पल्स में जो दिया है आंसर जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, अगर वो सेम क्वेश्चन भी अगर दूसरे स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है उसका आंसर डिफरेंट हो, तो कन्फ्यूज होकर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और जो आप दूसरे क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन में आधा घंटा वेस्ट करने से अच्छा है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और दूसरे उसकी जगह कई सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और वो बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन कीजिए। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग कई सारे स्टूडेंट को ये होते हैं कि जब आपने क्वेश्चन किया और आपको लगता है कि ओके मेरे अभी क्वेश्चन का मुझे आंसर आया है, लेकिन क्या पता मुझे अब मैं भूल जाऊंगा और नेक्स्ट टाइम मुझे याद नहीं रहेगा, तो रिवीजन में भी आप सेम क्वेश्चन को दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार अगर रिवीजन कर रहे हैं फिर भी सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर ब्रेन ने आपको एक बार आंसर आपको आता है, तो वो दूसरी बार भी आ ही जाएगा, आपको ज़्यादा बहुत
उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अगर आंसर किया है तो वो दूसरी बार भी आप कर सकते हैं आंसर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। ओके, तो अब तक आपने सिनोप्सिस कर लिए, आपने फर्स्ट या कोई आपके सिलेक्टेड टॉपिक अगर आपको पहले से पढ़ने तो वो आपने सेफर से पढ़ लिए, आपने क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन के बाद उसके रेफरेंस में जाएंगे, उसके आंसर एक्सप्लेनेशन के बाद वहाँ से आप रेफरेंस देखेंगे, वो शेफर में दिया होगा तो शेफर पढ़ेंगे, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे आप नोट तो करते ही रहेंगे नोट्स में। नोट्स में वो डायग्राम तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो शेफर की डायग्राम्स है जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो आपको फ़ोन में क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप इमेजेस गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ पॉइंट है जैसे कि सिंड्रोम्स है और दूसरे कोई लीजन है जो कन्फ्यूजिंग है, आपको बहुत सारे हैं और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं। आप गूगल से निमोनिक्स ले सकते हैं, आप दूसरे वो वीडियोस देख सकते हैं जो। इसके अलावा एक और पॉइंट है, हमारे फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रिसेंट ईयर में वो भी हमारे क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो ये भी जो बेसिक उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होते ही है उसमें से। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में आपके सजेशन और आपके कोई एडवाइस है, डाउट्स है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।